बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। सबसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शुक्रिया। तो आज की वीडियो में अगेन मैं आपको दिखाने वाला हूँ नॉन मुस्लिम कम्यूनिटी, और आज फिर हम एक और जगह जाएँगे। और पहले एक जगह पर गए थे, वहाँ से हमने रिकॉर्डिंग की थी, आज हम अगेन किसी और जगह जाएँगे, वहाँ पर जाके देखते हैं उनका रहन सहन, उनके घर पर और इसी तरह उनकी इबादत गाह, और फिर उनसे क्वेश्चन करेंगे कि यहाँ पर रहने के लिए उनकी कोई दिक्कत, कोई भी मसला या कोई भी ऐसी कोई चीज़ है, या वो बिल्कुल सही अपनी खुशहाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो निकलते हैं अपने सफ़र को, पहुँचे अपनी मंजिल पे। ये तो हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे कपास की चुनाई की जा रही है, और आपको ये सामने नज़र आ रही होगी औरतें की, और इसी तरह ये आपको सामने ये टिब्बी भी ऊपर जो कॉलोनी सी ये घर बार नज़र आ रहे हैं, सारे इन्हीं के हैं। अच्छा जी, ये हम पहले नंबर पर पहुँचे हैं और यहाँ पे ये इनका घर बार सामने आपको नज़र आ रहा होगा, और इसी तरह ये, और इसी तरह ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे अपने जानवर वगैरह बांधते हैं इस कमरे में, और ये देखें यहाँ पे ये रहते हैं, ये इनका सामने आपको घर नज़र आ रहा होगा, और ये यहाँ पे अपना काम काज जो भी वो कर रहे हैं सामने। आ की कर रहे हो? जी भी मना रही है, इबादत कर रहे हैं। हाँ जी इबादत। अच्छा, तो कर रहे हैं ये यहाँ पे बैठ के अपनी इबादत कर रहे हैं। हाँ जी, बोर्ड तो लिखिया पे। अच्छा, ये यहाँ पे पांच छह लोग यहाँ पे बैठ के अपने इबादत कर रहे हैं, इनके इबादत का तरीका दो दो लाख रुपया आपको नजर आ रहा होगा। कुछ गंदम के दाने हैं, 12,000 तो मिलेगा जिसे पीछे रात जान गई होगी। और ये जो कॉलोनी है वो उस साइड से शुरू होती है और इस तरह आ रही है, और ये कॉलोनी तकरीबन 150 से 200 घरों पर मुश्तमिल है, और टोटली जो है वो नॉन मुस्लिम कम्यूनिटी है यहाँ पे रहती है। और इसी तरह साथ साथ ही जुड़े हुए घर बाहर हैं यहाँ पे रहने वालों के, और ये देखें एक घर वहाँ पे, एक घर यहाँ पे, और यहाँ पे भी तंदूरी जलाई हुई है रोटियाँ बनाने के लिए। ये देखें ये भाई यहाँ पे बैठ के अपनी शेव करने लगे हैं। इनका सामान वगैरह सारा पड़ा, ये शेविंग क्रीम, साबुन और जो भी ब्लेड वगैरह जो भी है, और ये सामने ये खिड़की के अंदर शीशा लगाया हुआ देखने के लिए सामने। ये देखें वो आपको कुत्ता नज़र आ रहा होगा, ये शिकारी है, और ये जो जब इस तरह के जानवर वगैरह पकड़ते हैं तो ये इन्हीं कुत्तों से पकड़ते हैं। इस घर में भी आए हैं, यहाँ पे भी ये देखें, इन लोगों ने दो तीन रखे हुए हैं। सुअर का बच्चा है ये साथ, ये एक, ये एक वो आपको पीछे नजर आ रहा होगा उसका बच्चा है। ये बन रहा ऑलरेडी साइड ना, ये ओडल करनी, ठीक है, मैं इथो आ चुका हूं, इथो नजर आऊ। एक जीजू है कुछ बड़ा दे, बड़ा दे, मुंह लागे कर दे, दो सारे हाथ फेर के खा दे, ये दाने दुने खा दे, इन्हें नो इथे बाहर काट के नहीं पांदे कोई चीज।
अंदर हो जा थोड़ी जल्दी नाल कैमरा करे बच्चे नु तक बुए नु जा बुए नु ये जोर देगो अरे बोलो परे हो जा परे थोड़े जा बैक साइड तू आगे साइड तू खा थल्लो तू खा ये इसका बचा बैटरी मुक दी। एक घर ये है और यहाँ पे भाई इनसे ज़रा पूछते हैं, ये सामने मैंने एक नई चीज़ देखी है, ये आपको नज़र आ रही होगी, ये देखें। और अब इनसे पूछते हैं आ की चीज़ है, ये दाने वाला परोला है, चमर के गंदम वगैरह रेडी गंदम वगैरह इसमें डालते हैं। अच्छा वैसे जो होते हैं वो लोहे की चादर के बने हुए होते हैं और ये प्योर मिट्टी से बनाया है, तो इधर दरवाज़ा वगैरह खोलन खुलन वास्ते इधर रखा होगा लेकिन ये ऊपर से भी खुल जाता है। अच्छा उतो तो मिट्टी ला देने थोड़ा जा और ला के ठीक है, यहीं से ये मिट्टी को उखाड़ते हैं और यहाँ पे इसका ढक्कन वगैरह जो भी होगा ऊपर से फिर खोल लेते हैं। तो ये जो है बर्तन रखने की किचन की जगह। अच्छा ये इनकी किचन की जगह, बल्कि इसका मुँह इस साइड पे होगा, आपको दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पे घड़े रखे हुए हैं और घड़ों को इसलिए फ़ायदा है क्योंकि जहाँ पे लाइट ना हो और जहाँ पे ज़्यादा गर्मी हो, घड़े के अंदर ठंडा पानी रखते हैं तो पानी गर्म नहीं होता। मैंने यहाँ पे अब तक जितने भी लोग यहाँ पे देखे ना, उनका तकरीबन रहन सहन एक ही तरीके का, घर बार भी एक ही है और अंदर से डेकोरेशन भी एक ही है। और एक घर यहाँ पे ये वाला और यहाँ पे इनका बावर्ची खाना जहाँ पे बर्तन वगैरह रखे हैं धोने के लिए। और इसी तरह ये सामने एक ही कमरा इस घर का, यहाँ पे इनके जानवर वगैरह बने हुए। और अंदर से आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे तकरीबन हर घर की डेकोरेशन एक ही हिसाब से है। इनके यहाँ पे सामने एक शेल्फ लगी हुई होती है, वहाँ पे बर्तन पड़े हैं, एक साइड पे ये संदूक और चरपाइयाँ, क्योंकि यहाँ पे इनकी ज़रूरियात के लिए सामान तो यही काफ़ी होता है। और लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो हमने पहले बनाया उसमें लाइट की कमी थी, लेकिन यहाँ पे ये देखें लाइट की सहूलत भी मौजूद है, क्योंकि ये कॉलोनी काफ़ी बड़ी है, इस वजह से यहाँ पे तकरीबन सहूलियात मौजूद हैं। ये देखो ये है सी का बच्चा, आगे कर थोड़ी जगह, ये पकड़ के लाए।